सर आज हम आपको एक चॉकलेट ट्राई करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्विक्स। तो ये बहुत ही फेमस चॉकलेट है, आप इसे खाएं उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। ट्विक्स ट्विक्स ये कैसा नाम है? नाम तो अजीब है मगर चॉकलेट है तो चॉकलेट ही होगी। ठीक है लाइए। यार बादशाह तूने तो बड़े आसानी से कह दिया कि चॉकलेट से चॉकलेट होती है। अब यहाँ ये मैं भी पहले ये समझता था कि चॉकलेट क्या होती है, चॉकलेट होती है, लेकिन यहाँ पर आके ऐसी ऐसी जगह की चॉकलेट खाई है कि मैं तेरे को बता नहीं सकता। हर कंपनी का स्वाद अलग, मतलब हर चॉकलेट अलग अलग होती है। और चुके स्वाद अलग अलग, उसमें रस अलग अलग, मतलब मौका नहीं पड़ा कभी ऐसी चीज खाने का। अपन ने तो वही वो कह रहे हैं तो कुछ बात होगी, आज खा के देखो मजा पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया दिख रही है वो। हाँ यार भैया यार, और दबाने से अंदर की चीज भी अच्छी लग रही है, तो बहुत इंग्लिश टाइप की लग रही है। वो सफेद सफेद का कुछ रस भी बाहर आ रहा है, मोटी भी है, मोटी भी अच्छी, मोटी भी आ रही है। वो अंदर से दो ही कैसा लग रहा है? दो तीन दो है, दो ऐसा लग रहा है। अब ये देखो वो तो खोल के देखेंगे पता चलेगा। मतलब ये ऊपर की पन्नी देख के मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया है। मैं आपको अंदर से कैसी निकलेगी ये मेरे को नहीं मालूम। भारत पन्नी का शेप तो अच्छा है, मेरे दिल को भाग गया वो। खोली जा। हाँ भाई अभी तो आपके ही हाथों से खोल ले तो ज्यादा अच्छा। आपने अपनी खोलेंगे तो हम, अच्छा अपनी अपनी खोलेंगे तो पहले आप चलो बड़े हैं तो आप खोल लीजिए। चल ये जो अबे अरे वाह क्या बात है भैया। मैंने जब खोली ना तो ऐसी चॉकलेट तो अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखी है मैंने। वो खाना तो बहुत दूर की बात है। खुशबू स्वाद तो देख, क्या गजब का स्वाद है, क्या खुशबू है, बढ़िया लाजवाब है। अब इसका टेस्ट ही क्या खाने के बाद पता चलेगा। बहुत बढ़िया चॉकलेट है और अच्छी चॉकलेट है और खाने में एकदम नरम जैसी है, सॉफ्ट बिल्कुल। अंदर ऐसा लग रहा है बिस्कुट लगे हुए हैं, बाहर से चॉकलेट में लपेट के नहीं भी। हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल बिस्कुट भी खाओ जो चॉकलेट का मजा भी लो। क्या गजब का। हमारे गांव में तो ऐसी चॉकलेट नहीं मिलेगी भैया, ढूंढे से भी नहीं मिलेगी, मुमकिन ही नहीं मिलने ही नहीं भैया। तुम दोनों को मालूम है कि मेरे दांत हैं उसके बाकी देखो देखो क्या रेडा चल रहा। और अंदर जैसे मैंने खोला तो भूल कर सीधे अंदर अंदर पेट में तो मतलब इतनी गजब के कहना चाह रहा हूँ कि दांत हो नहीं हो खा सकते हो, ये बहुत बढ़िया है कि तुम खा सकते हो तो बहुत अच्छी है। फिर तो मेरे को तो लगता है इसको क्या फ्रिज में रखते होंगे, देखो हाथ में क्या पिघल रही है। हाँ यार क्या ज्यादा देर तक खुली छोड़ सकते हैं? नहीं ज्यादा देर तक खुली छोड़ेंगे तो वो फिर पिघल जाएगी, पिघल जाएगी। हाँ बेकार, और फिर वो मजा खराब हो जाएगा। सही ये रस का तार दिख रहा है भैया, रसेली अंदर से। फिर अब ये रस है, ये तार नहीं है, रस है। हाँ 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 तार नहीं है, रस है वो। सही चाचा ये जो आप कह रहा हो ये मैं खा के देखता हूँ कि ये चीज क्या है। ये शहद जैसा कुछ लग रहा है मेरे को, तो इसका चॉकलेट का रस लग रहा है, बाकी में बिल्कुल असली है अंदर से, बाकी लाजवाब है।
क्योंकि वो उन्होंने चैकलेट लेवल का उसका देखे देखे मैं चैकलेट का तीन तीन का स्वाद लो। अरे क्या तीन तीन का हाँ सही मजे दो खाते मजे बड़े चॉकलेट है बिस्कुट का बिस्कुट है और रसीली की रसीली है वो बढ़िया चीज है बोलो कितनी बेहतरीन चीज है जी जी लग गए यार अगर इसको मैं ढूंढना चाहूं तो मेरे को नहीं मिलेगी मिलना नहीं अरे जो जिसका हाथ लग जाए तो छोड़े नहीं यार सही ये बढ़िया चीज है सर ने इसका नाम तो बताया ट्विक्स वो सर ने इसलिए बताया इसका नाम ट्विक्स है देखो यूं कर दिया ट्विक बोल दिया करके क्या बात है यार वाकई में परचे ट्विक्स हो जाती है यहाँ एक से बढ़ एक चीज खाने को मिली है ये तो हकीकत बात लाजवाब इसमें तो कोई शक नहीं इसके आगे गुलाब जामुन फेल है फेल हो गया भैया बिल्कुल फेल हो रही होता है वो भी कहीं नहीं लग रही वो भी कहीं नहीं लग रही सही ये हाँ हाँ मैं एक बार ओवन नहीं करी होगी चाचा बोल इसको खाने के बाद अंदर एकदम जैसे पेट में ठंडक पहुंचती है अपन कुछ ठंडी चीज खाते ऐसा महसूस हो रही है मुझे अब आप दोनों को क्या हो रही है ये मुझे नहीं मालूम है ना मुझे हुई तो मैंने बोली अब तुम्हें क्या हो रही है ये तो मैं नहीं मालूम होने तो बढ़िया काम नहीं हुई कुछ बिल्कुल हल्की मामूली तो हो तो रही है ना बस ठीक बढ़िया है मतलब ये तो चौथा काम हो गया हाँ सही है ना ठंडक की ठंडक भी मिल रही है स्वाद का स्वाद भी मिल रहा है मजे भी आ रहा है और क्या चीज पैसा वसूल है मतलब तो पैसे का वसूल नहीं है भैया इतनी महंगी चीज इतनी बढ़िया कभी देखी नहीं कभी खाई नहीं है आज आज अपने हाथ में हाथ में हाँ सही है मजा बढ़ेगा बाकी में भी आता है यार भाई साहब ये सुझाव है यार 26 जनवरी 15 अगस्त या कोई भी ऐसे राष्ट्रीय पर्व या कोई ऐसे खुशी का मौका आता है स्कूलों के अंदर जो कभी लड्डू है कहीं पेड़ है कहीं कोई कहीं कुछ है वो सब ऐसा है अगर ये चीज़ बढ़ेगी कैसे लगे तो मतलब ये चीज फिर एडवांस में अपन को ला कर रखना पड़ेगी और ये बांट के देखो कैसी लगती है बच्चों पहले बात तो ढूंढने में टाइम लग जाएगा मेरे को तो बाहर का आइटम लग रहा है बाबू भाई तुम्हारी बात तो सही है पर स्कूल वाले रहते हैं कंजूस क्या वो तो साले नुत्ते के लड्डू बांटते हैं महंगी चीज थोड़ी बांटेंगे यार कोई इतनी महंगी चीज क्यों 10 बार सोचेंगे वो तो फिर वो तो करेंगे नुत्ते के लड्डू बांटो और ये आइडिया है जो बड़े स्कूल है उसमें ये राय दी जाए कितने बड़ा स्कूल हो कोई मानने वाला नहीं हो सबको बड़े स्कूल वाले मावे का लड्डू बांट देंगे मतलब अपना आइडिया देना ही नहीं आइडिया तो क्या अपने तक ही सीमित है ऐसा होना चाहिए अपना ऐसा मानना है वो हो जाए वो बड़ी बात है ला जाओ चीजें वाकई में भी है ये तो ये उंगली में चार दूंगा भैया उंगली चाटने की बात कर रहा हूँ देखो जरा चॉकलेट उंगलियों में ये ऐसा लग रहा है चॉकलेट में चिपक गई वो तो फिर चाटनी पड़ेगी तो उंगली देखो ये जो चॉकलेट है ना ये अच्छी है इसलिए चिपक रही है पिघल भी तो, रही है। हाँ, और अपनी है तो वो 2-2 रुपए वाली आती है वो तो पत्थर होती है बिल्कुल डांटी टूट जाएंगे सारे क्या खाएंगे बहुत कड़ली रहती है अपनी मतलब, और ये चॉकलेट इतनी सॉफ्ट है कि हमारे चाचा भी खा रहे हैं अरे भले तुम तो तुम ये लगे वो चॉकलेट को खाना तो दूर देख लो खड़ा गए तो हाथ भी नहीं बताइए देखो इतनी बाकी में बिराज भरी चॉकलेट है वो वो 2 रुपए वाली चॉकलेट तो ऐसी होती है कि अगर दीवार में मार दो तो दीवार में छेद हो जाए पत्थर माफी करनी है सही किया तुमने सही किया है कि ये जो चॉकलेट है ये रखने के लिए नहीं है रखोगे ना तो ऐसे उंगलियों में पिघल जाएगी पिघल जाएगी फ्रिज में रखना है हाँ हाँ नहीं पन्नी में खोलते ही खाना है वो तो खाने ही ना सही मुझे देख लिया बहुत बढ़िया क्या बात है उंगली चाटते रह जाओगे जो भी खाएगा अलग हटके स्वाद है इसका तो शुरू से आखिरी तक बहुत अच्छी चीज है और ऐसी चीज तो मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं है तो खाना तो बहुत जरूरी बात है सही मगर आज यहाँ आके
देखने को भी मिली और खाने को भी मिली और दो मजे एक साथ। हाँ, दो मजे और तीसरी बार अंदर से ठंडक हो गई, ठंडक हो गई पेट में, तो दिल को सुकून मिला। तो और क्या चाहिए? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये अच्छे भी है और भारी भी है। अभी जो मैंने चावल खाई है, तू यकीन मान जाए ऐसा महसूस हो जाए कि मैंने एक रोटी पूरी खा ली। और क्या चाहिए? अच्छी एक रोटी खा ली तुमने, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती? बहुत बड़ी बात है यार। बाकी मैंने आप ये चॉकलेट खाई, इसका आनंद लिया, तो इसमें जो भी कुछ है वो इधर आप इस पे मेरे घर जी सुन लो। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता, अबलू गबलू खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारे होते, अबलू गबलू खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू।